गाइज मैंने इसमें ब्राउन कलर में पूरा रेड कलर भी मिक्स कर लिया, एशियन पेंट्स लिए हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें ये वाला ब्लैक कलर भी मिक्स कर लिया है। देन मैं इसको अभी घुमा रही हूँ और मैं देखती हूँ कौन सा कलर डार्क ब्राउन कलर बन जाएगा। तो इस पे क्या है, एक दो तीन कोट तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि एक अभी करीब रात में करके सो रही हूँ, फिर सुबह फिर उठ के करूंगी। इसका अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर रही हूँ, अभी ये कर रही हूँ। अब मुझे भी नहीं मालूम कि कैसा इफेक्ट आने वाला है। पहले मैं नीचे पेपर बिछा लूंगा कि देखो ना कितना सारा गिर गया। इस कपड़े को मैं यहाँ बिछा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना फिर मम्मी से पिटाई नहीं खाना है अपनी, है ना। अरे मम्मी दादा कैसे मारेगी। अरे बेटा, अरे मेरी टेबल मत खराब कर। अभी देखो मैं सिंगल कोट अप्लाई कर रही हूँ इस पे, है ना। आई थिंक क्योंकि मैं इसको इसलिए कर रही हूँ कि ये भी ब्राउन कलर का है गाइस, और ये देखो कितना सारा टपक रहा है इसमें से। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने इसी से मिक्स कर लिया ना, तो वो उसके अंदर वाले पार्ट में भर गया है इसलिए। तो अभी तो मैं कर रही हूँ, हालांकि मुझे नहीं मालूम इसका फाइनल लुक कैसा होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखना की लास्ट में कैसी लगने वाली है। मैं चाह रही हूँ ये सुंदर दिखे, है ना। और वॉल पे भी वही डूडल करवाना है। हाँ, ऐसा है, देखो वॉल पे डूडल बहुत अच्छा होता है। मेरी मम्मी कर रही है गोदरेज पेंट, मेरी मम्मी कर रही है गोदरेज पेंट। अरे यार मुझे शायरी नहीं बन रही यार, प्रगति वर्मा से शायरी सीखनी पड़ेगी। मुझे उसकी स्ट्रेच याद है गाइस, मैंने साड़ी पहन ली है देख लो। अभी मैं स्पिन लगाऊंगी मम्मी की, नहीं ये दिन भर बस ये फालतू के काम होना है मिष्टी के। ये चुन्नी लपेटी, वो चुन्नी लपेटी, साड़ी पहन उठाया, साड़ी पहनना है, बस मिष्टी का यही चलता है ना दिन भर। और ये फालतू की शायरी आयरी बनाना कुछ तो भी। अरे यार शायरी बकवास। चॉकलेट की चट्टी को कहते हैं न्यूट्रेला, चॉकलेट की चट्टी को कहते हैं न्यूट्रेला। जैसे कोई काम धंधा नहीं होता उसे कहते हैं वेला। वैसे मेरी दीदी है जो, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक शायरी बनाई है। फर्नीचर अभी नया नया बनवा लिया, और ये क्या है कि इसको सेल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे घर में से बाहर निकलते नहीं है, क्योंकि हम लोग के जो सीढ़ियां है पुराना घर है तो वहां से ये उतर नहीं सकता है। इसलिए इसको ही फिर हमने कहा, सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, तो इसलिए इसको अभी मैं पेंट कर रही हूँ। पेंट करने का फिर इसको एक कोट ड्राई हो जाएगा इसका, तो ड्राई होने का फिर मैं इसको और कुछ ट्राई करूंगी गाइस, है ना। तो रात भर इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ मैं। चॉकलेट
क्या करना पड़ रहा है गाय। गाय मैंने कटर और शार्प रबड़ के वो बनाए मार्शमेलो दे खाती हूँ उनको अब भी आइस मोल्ड में। ये दादी का ये मिष्टी तो है ना फालतू का काम करते हैं। चॉकलेटी रेनबो मार्शमेलो। ये फ्रिज की आइस मोल्ड है और इसके अंदर मैंने पानी वानी तो कुछ मैंने इसको इसलिए रख रखा था बेटा क्योंकि इसमें मुझे कलर प्लेट बन सकती है मेरी, इसलिए मैंने सोचा इसका यूज कर लूं। मैं यूज कर रही हूँ ना। सही है तुम यूज कर रही हूँ। इसमें चॉकलेटी मार्शमेलो बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो गाइस देखो ये रात में मैंने इसको सूखने दिया और अभी भी दोपहर के 3 बज रहे हैं गाइस। तो ये मैं इसको अच्छे से ड्राई हो चुका है वार्निश। अब मैं इसमें ये व्हाइट पेंसिल है मेरे पास, मेरे कलर पेंसिल स्केचिंग वाली, उससे मैं एक डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। राधिका के पास ला के दिखाओ। पेंटिंग कर रही हूँ, मेरा तो हाथ भी दुखने लगा है, ये सब दुखने लगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। गाइस इतना करते करते मुझे 4 घंटे हो गए और मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करके ही आज सोऊंगी। कम्प्लीट करना है और अभी फाइनल लुक मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा लगने वाला है। अभी कैसा लग रहा हो तो प्लीज 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 जो भी है मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो कंटिन्यूशन लास्ट तक बने रहिएगा, इसका फाइनल लुक देखिएगा कि कैसा लगने वाला है। पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बनाए है ना वो शेयर भी कर देना, पुराने लोग शेयर कर देना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम सो मच टायर्ड।